की और आपने जो कुछ भी देखा उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना है। मुझे लगता है कि वाकई ये फिल्म जो है वो लॉ को जागरूक करेगी। लॉ में जैसे पुरानी कहावत है कि 100 में से 80 बेईमान फिर मेरा देश महान, नाना पाटेकर ने कहा था कि, और फिल्मों में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे ही लॉ में वाकई ये सच बात है कि 100 में से 80 बेईमान है, 10-20% लोग अपना फर्ज निभा रहे हैं। जो ईमानदार है मैं उनको प्रणाम करता हूँ, और जो 80% बेईमान है मैं चाहता हूँ कि उनको तुरंत गिरफ्तार कर दिया जाए मोदी सरकार द्वारा, गृहमंत्री द्वारा, अमित शाह द्वारा, और इनको सजा दी जाए, क्योंकि भारत के साथ गद्दारी करना, कर्तव्य के साथ गद्दारी करना भी अपने आप में बहुत बड़ा आतंकवाद है, और आतंकवादी की सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए। और जो सिस्टम के साथ खेल रहा है बिना सुनवाई के, जब उसका पर्दाफाश होता है तुरंत फास्ट ट्रैक से उसको सजा देनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद मुझे लग रहा है कि वाकई ही महकमे में डाकू की एंट्री हो चुकी है, डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद लग रहा है। तो ऐसे महकमे के मैं हक में नहीं हूँ, और मैं समझता हूँ कि जो क्रिमिनल है, चाहे वो किसी भी पोस्ट का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी खानदान का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कुछ भी हो, अगर वो क्रिमिनल है तो फास्ट ट्रैक से उनको सजा देनी चाहिए, ताकि लोग क्राइम करने से, देश के साथ गद्दारी करने से घबराए, और हमारा देश जो हमने एक सपना पाल रखा है, आज वाकई बापू जी का जन्मदिन है, आज लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, मतलब देश के बापू और देश का लाल का जन्मदिन है, मैं कहता हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो हमारा नारा, ये तभी संपन्न होगा जब इस टाइप के जो 100 में से 80 बेईमान लोगों को मरज करेंगे। और इसकी शुरुआत हो चुकी है, और इस डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले साजिद भाई को मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी पूरी टीम को प्रणाम करता हूँ, और हम सबको आके एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, एक नई राह मिली है। तो हम भी कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं आप सबके सामने कि अपने काम में और अपने आजू बाजू में कहीं पर भी कोई अगर घोटाला या कोई किसी तरह का कोई क्राइम होता है तो हम उसकी आवाज़ उठाएंगे और उसको रोकने की कोशिश करेंगे। हर गंजे को हक है कि उसको सस्ता वीक मिलना चाहिए, वरना बेचारा गंजा खुले आसमान में अपना नंगा सर लेके कहाँ जाएगा। तो ऐसे समाज में गंदगी नंगापन छाया हुआ है, और ये अपना भी गंजा गंजा लेके जाएगा नंगा, क्यों नसीम भाई? हाँ सर, मैं एग्री हूँ आपके। सुनील जी, आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना, ऐसे कभी कोई बात हुई होगी जहाँ पर ना आपको परेशानी झेलनी पड़ी हो कानून को लेकर? सर, मेरी बिल्डिंग में मैं पिछले 15-20 साल से केस लड़ रहा हूँ, और इतने इगोइस्ट लोग हैं मेरे बिल्डिंग में, तो उसको सेक्रेटरी बनाया गया था जिसके नाम पे फ्लैट है ही नहीं। इतनी भेड़ चाल होती है, और मुझे बार बार कहा जाता है कि आप तो झोपड़पट्टी से आए, झोपड़पट्टी से, तो मैंने कहा तुम्हें कमी हो, तुम इस बात को स्वीकार कर रहे हो कि मैं अपनी मेहनत से यहाँ आया हूँ, तुम तो पता नहीं किसके बाप की कमाई से यहाँ पर आए हो, किसके पाप की कमाई से यहाँ पर आए हो। तो होता है, तुम लोग आए हो, किसी की पत्नी के नाम पर फ्लैट है, किसी के फला के नाम पर, और घोटाले दिख रहे हैं, उसके बावजूद भी उनका देखो गुटके खाने वाले की तरह सर उठा के बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है, और मेरे साथ में ऐसा हुआ है, लेकिन मेरे साथ ईश्वर था, मेरे साथ सच्चाई थी, मेरे साथ आप लोग सुनते, कानून था, कानून पे भरोसा था, दोस्तों का आशीर्वाद था, कि मैंने हमेशा उस जगह पे जाकर पूजा पाठ भी की, उस जगह पे गणेश पूजा करता था, वो भी उन्होंने बंद करवा दी, कि तुम अपने घर पे करो, तो घर पे करता हूँ मैं, हर साल करता हूँ। तो जो चीज़ें मैं बिल्डिंग के लिए अच्छा कर सकता था, अच्छा सोच सकता था, पूजा पाठ, वॉचमैन लोगों को इज्जत देना, उनके दुख सुख के बारे में पूछना, तो मुझ पे इल्ज़ाम लगा कि तुम वॉचमैन लोगों को भड़काते हो, बिल्डिंग के खिलाफ भड़काते हो। तो मैंने बिल्डिंग के वॉचमैन से सबसे कहा कि भाई जब भी कोई पुलिस इंक्वायरी होगी मेरे फेवर में बोलना, जो सच है वही बोलना, तो वो भी कहते हैं। तो मैं आवाज़ उठाते रहता हूँ, मैं बिल्डिंग में भी उठा रहा हूँ, और इस तरह की बातों को भी मैं अपने कॉमेडी में खुद कहता हूँ कि जितने सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन आए हैं जो गंदगी की बात करते हैं, नंगेपन की बात करते हैं, गाली गलच वाली कॉमेडी करते हैं, जो यूट्यूबर्स आप देखते हैं, यूट्यूबर्स और टीवी पर भी कुछ लोग छाए हुए हैं, गंदी कॉमेडी करते हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि ये आतंकवादी है, ये अपने प्रोफेशन के आतंकवादी है, जो अपने रोजी का सगा नहीं हुआ वो तुम्हारा सुनने वालों का और देखने वालों का क्या सगा होगा। तो दर्शकों को भी आज जागरूक होना चाहिए कि जो रियल मेहनत करते हैं, जो परिवार को, दर्शक को अपना परिवार समझते हैं, स्टेज को, मंच को अपना
मंदिर समझते, भगवान समझते, ऐसे कलाकारों का काम आगे बढ़ाना चाहिए। और ये जितने भी सुपर नंगे लोग हैं जो स्टेज पर आते तो बिना नहाए धोए आते, दाढ़ी नहीं करते, हाथ में माइक ऐसा पकड़ते वैसा पकड़ते हैं, बाल उनके ठीक नहीं होते, गंदी गंदगी वाली बातें होती है, और उनको लोग अगर सो कॉल्ड जो कंपनी आ गई है, अमेजोन आ गई, नेटफ्लिक्स आ गई है, उनको अगर तरक्की दे रही है, तो ये आतंकवाद को बढ़ावा है। तो मैं तो अपने काम में भी चिल्लाता हूँ, आवाज़ करता हूँ कि भैया ईमानदारी और मेहनत के लिए कहीं पर भी कोई शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। हर काम को ईमानदारी से कीजिए तो आपका काम भी अच्छा होगा, आपके बच्चे भी सुखी रहेंगे, वरना कहीं ना कहीं भुगतान करना पड़ेगा। जी, आप बताइए, आप जिस तरह की शुभकामनाएं देना चाहोगे साजिद भाई को, जैन पॉल को, और आपकी राय क्या है? सबसे पहले हमारे बापू राष्ट्रपिता जी, महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, यौम पैदाइश है, उनको यौम पैदाइश की पूरे देश को मुबारकबाद देते हैं। उसी सिलसिले में आज साजिद भाई ने भी इस दुनिया में जन्म लिया, 2 अक्टूबर, ऐसे महान लोगों का दिन, तो उनको भी साजिद भाई को जन्मदिन की मुबारकबाद। और देखो, इन दोनों ने ऐतिहासिक काम किए, तो साजिद भाई उसी दिन आए तो ये भी एक ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि यहाँ पे जो भी इस दिन पैदा होने वाला बंदा जो है देशभक्त होता है, क्रांतिकारी होता है और देश के लिए जीता है, और कुछ ना कुछ इतना इतिहास रच के जाता है। मुझे लगता है कि ये जो सब्जेक्ट है ये भी इतिहास रचेगा। बहुत सारों को कानूनी जानकारी नहीं मालूम, वो जानकारी मिलेगी, इंसाफ नहीं मिलता उसके लिए आवाज़ उठाएगी। और मैंने भाईजान, अब आपने बोले तो सुन लो, मैंने बहुत पहले मैंने 4-6 लाइन सुनी थी, मुझे आज भी ये देख के याद आ गया। बाबूजी गरीब का इस दुनिया में रखवाला कौन, बाबूजी गरीब का इस दुनिया में रखवाला कौन, हमदर्दी की भूख नहीं देगा हमें निवाला कौन। ओ बाबूजी बेटी मजदूर की घास काटने गई रही, किस किस से अब कहे बेचारी कर बैठा वो काला कौन। ओ बाबूजी कोर्ट में हमने हलफ उठाकर सच बोला, बर बिन पैसे कानून का वहाँ देता हवाला कौन। ओ बाबूजी अपने सब बैरी सावन भादो चैत बसात, वरना मौसम बेमौसम देता देश निकाला कौन। ये नज़्म मुझे याद आ गई, ये कविता याद आ गई, ये दर्द है दिल के छाले हैं जो कवि ने अपने ढंग से बोला है, और ये सारे दर्द पेश करने जा रही है ये फिल्म। साजिद भाई को बहुत बहुत बधाई, फिल्म का हमें इंतज़ार रहेगा, जल्दी फिल्म आए और हम लोग सब फिल्म देखने जाएं, और देश को कहीं ना कहीं जागृति लाएगी ये फिल्म, ऐसे सब्जेक्ट वाली फिल्म बननी चाहिए, हम उसका समर्थन करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हमसे भी बहुत अच्छा बोलने वाले कतार में खड़े हैं, आप उनको बुलाएं, उनको सुने, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो मीडिया घर घर तक बात पहुंचाते हैं, आप कितना टाइम कैसा मिल जाता आप लोगों को, बहुत ईमानदारी से आप हर किसी की बात नोट करते हैं और पहुंचाते। उम्मीद है कि सुनील भाई की बिल्डिंग का मसला भी अब घर घर पहुंचेगा, क्योंकि कुछ तो पेपर में हमने पढ़े थे, अखबार में पढ़े थे, अब कुछ सच्चाई आप लोग बताएंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और जन्मदिन की फिर से मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। और इस अक्टूबर को एहसान जी भी कह रहे थे, 2 अक्टूबर को पैदा होने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या देश के लाल लाल बहादुर शास्त्री और हमारे ये और एक लाल, तो इस दिन पैदा होने वाले ऐतिहासिक लोग होते हैं, क्रांतिकारी लोग होते हैं, देश के प्रति गंभीरता से सोचने वाले लोग होते हैं। और ऐसे देश के प्रति सोचने वालों को मैं कहता हूँ कि ये हमारे लिए आगे चल के प्रेरणा स्रोत बनेंगे, और हम इनसे बहुत कुछ सीखेंगे, और देश का कानून, देश की व्यवस्था भी इनसे सबक लेगी, और मुझे लगता है कि फिर इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। तो फोटो मनीष जी को आ जाना दीजिए ना, सभी ना आप भी आ जाइए, आइए आइए, इनको जरा आ जाने। गरीब किसान था, पूरी जिरह खत्म हो गई, जज साहब ने पूछा बेटा सफाई में कुछ कहना है, उसने सिर्फ 3 लाइन बोला, बोले हजूर माई बाप जो कुछ हुआ मैंने सच सच बोल दिया, और जो नहीं हुआ वो वकील साहब ने बोल दिया, और जो होने वाला है वो आप बोल दे। ये कानून की मेरी जो बोलने का तरीका और जो रखने की चीज है ना, वो आप लोगों को थोड़ी सी पता नहीं कहाँ से मसाला और क्या ना मिले, तो मैं वो वाली बातें करता ही नहीं, तो ना मैं सोशल मीडिया पे जाता हूँ, ना मैं किसी न्यूज चैनल पे जाता हूँ। ये तो भाई का प्यार है सिद्दीकी सर का कि उन्होंने बुलाया है, और एक ऐसा इनिशिएटिव दिखाया है कि लोग ना जानते हैं। अभी मैं अगर ये जो देख के आ रहा हूँ,
लगता है मुझे दो तीन लोगों की आंखों में आंसू आ गए होंगे। अभी हमने बहुत ऐसी मूवी देख ली, हमने बहुत बायोग्राफी बना ली, जिन लोगों ने कुछ किया है ना उनका हमने बहुत बना लिया, हमने ऐसी भी बहुत चीजें बना ली जिनमें हम लोगों को हंसाते हैं, एक्शन दिखाते हैं, सब दिखाते हैं, बट अगर हम सच्चाई से रूबरू कराएं किसी को तो ये पता सबको है जो अभी हम अंदर देख के आए हैं सेक्शन अगेंस्ट लॉ। बट अगर हम इसको इस तरीके से पोर्ट्रेट करते हैं ना, क्योंकि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट और वो आम आदमी, कहने को आम आदमी है लेकिन ना गवर्नमेंट तक उसकी बात पहुंचती है क्योंकि बीच में जितने मीडिएटर हैं वो सब लोग ऐसे हैं कि उनको सिर्फ अपनी रोटी सेकने से मतलब है। आज हम बात करते हैं, हम लोग लड़ रहे हैं जाति पे लड़ रहे हैं, हम लोग अभी नया एक और पैतरा फेंका है, हम लोग अब भाषा पे भी लड़ रहे हैं, हम लोग जमीन के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग सबके, हम लोग एजुकेशन के लिए नहीं लड़ रहे हैं कि आपको आज, अभी कुछ टाइम पहले चालान का एक नया कोई इम्प्रूवमेंट आया है या जो भी नया कि आपने, हाँ नया लॉ आया कि आपने सीधा उसको कितना कर दिया, मतलब हजारों में कर दिया है। आपका एक सिस्टम होना चाहिए, एक बंदे को पहले आप एजुकेशन दो, जो बंदा, क्योंकि आप एक ऐसी प्रायोरिटी में बैठे हो कि आप पढ़े लिखे भी हो, आप सिस्टम भी बना रहे हो, उस सिस्टम को ढंग से इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। आप रोड पे किसी को पकड़ के किसी का 23-24-25 हज़ार का बिल काटते हो, गलती है उसकी है नहीं है, बट वो एक आक्रोश पैदा करेगा, एक गुस्सा पैदा करेगा, और वो गुस्सा ऐसा होगा ना कि वो दूसरे को बोलेगा एक काम करना उधर से जाओ, वहां काट रहे तू भी जा। तो हमें ना चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी। आज हम मॉब लिंचिंग देखते हैं, अभी मैं अंदर ये एक क्लिप देख के आया हूँ जिसमें बताया कि आई एम नॉट ब्लेमिंग पुलिस वाले की वो देर से पहुंच रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है ना कि बंदे पीट रहे हैं और बंदा पिट रहा है और उसके बाद जाके आप केस कर रहे हो, ये हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं, जैसे बोलते ना कि ऑन द स्पॉट बी ऑन द मोमेंट होना पड़ेगा, वो या वो अधिकारी हो या वो पुलिस हो या फिर वो आम आदमी हो। अब मंगीर बहुत मोदी जी की बातें कही हैं आपने, क्योंकि आपने खुद निजी तजुर्बा भी करा होगा, देखा होगा, जब हम रूप, जैसे आपने कहा कि सच्चाई बिल्कुल अलग होती है जब हम सिनेमा की बात करते हैं, हाँ। वो बिल्कुल आप जब होते हैं तो क्या आपको खास लगा, डू यू गॉट इमोशनल व्हाइल वाचिंग दिस डॉक्यूमेंट्री? होता क्या है ना कि ये सबको पता है, एक स्टार से लेके एक बिल्कुल जो जमीन पे, आज मैं एक झाड़ू लगाने वाले की बात करूं जो इसमें एक मुद्दा दिखाया है, कोई भी बोल देगा मैं वैसा नहीं हूं, तो एक हमको एज ए इंडिविजुअल खुद को सुधारना पड़ेगा। उसमें दिखाया अगर आपको कोई SC ST पानी दे रहा है तो आप वो नहीं उठाते हो, नहीं लेते हो, क्यों नहीं लेते हो, क्योंकि आपके दिमाग में, अभी मैं यहाँ ज्यादा ब्लंट बोलूंगा तो हमने वो वर्ड ना, एक SC ST का वर्ड होता है, अगर कोई कुछ कर रहा होता है बोलते अभी तू वो तो नहीं है क्या, वो भी वो है जो आप हो। आज हम उनको पढ़ाई से रोकते हैं, आज हम ये देखते हैं कि यार ये गंदा हो गया रोड है, उसको बुलाना वो साफ करेगा, अबे वो क्यों करेगा भाई, तेरे घर के सामने गंदा हुआ है तो तू भी तो साफ करना। तो ये हमको खुद ही कहीं ना कहीं सीखना, और इससे क्या होगा ना, फिर अगर मैं आपको वो इज्जत दे रहा हूँ जो आप डिजर्व करते हो, या आप कोई भी जाति धर्म या आप कहीं बाहर या आपकी कोई भी लैंग्वेज है, आप आज साउथ में जाओ, आप जब तक इंग्लिश या उनकी लैंग्वेज नहीं बोलोगे ना तो आप ऐसे घूम रहे होगे जैसे कोई अनाथ आ गया हो। तो हमें ना एक दूसरे को इंडिया में ही, पहले तो इंडिया में ही छोड़ो बाहर का भी, कि अभी और दूसरा मुद्दा, अभी पॉलिटिकल में जाऊंगा तो फिर लगेगा कि हाँ बहुत ज्यादा हो गया, हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, मैंने भी क्लिप में देखा एक बंदा जूतिया बना रहा है, एक जगह एक रोड पे जूतिया बना रहा है, जूते बना रहा है, वो आप भी देख लो, आपके बच्चे भी उसे वहीं देखेंगे, क्यों, उसके बच्चे वो काम कर रहे होंगे, क्यों, क्योंकि हमने जो इंग्लिश बोलेगा या जो बाहर से आएगा सूट बूट पहन के उसको हम पूरी प्रायोरिटी देंगे, AC में बैठा के, ये बैठा के, वो बैठा के। हमारे यहाँ के बिजनेसमैन को अगर ये लोग सपोर्ट करें, कोई भी लोग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किसी गवर्नमेंट के, किसी का भी, आज दिल्ली में, मैं दिल्ली से हूँ, आप वहाँ मार्केट में जाओगे, चांदनी चौक या कहीं भी किसी भी जगह, वहाँ छोटी छोटी, मुंबई की बात ले लो, मुंबई में छोटी छोटी चीज़ बनाने वाले इतने लोग हैं ना, जो ये सोचते हैं कि एक ज्वेलरी वाला है, कोई भी बड़ा नाम, समझ गए होंगे, कोई भी बड़ा नाम, उसने अगर बैंड्रा में एक शोरूम ले लिया है तो वहाँ भीड़ लगी हुई है, बट वैसा ही आइटम जो हमारे यहाँ कांदीवली और ऐसे ऐसे एरिया में जो गरीब लोग बना के बेच रहे हैं, उनको कोई पूछता ही नहीं है। तो अब ये वाली जो, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिफरेंस है, ये मिटाओ ना, आप अपने बंदों को ये चीजें दो कि अगर हम बाहर से इन्वेस्टमेंट करें तो बंदे हमारे, काम हमारा, ये सब हमारा। आज हम मेट्रो भी बना रहे हैं, जो भी काम हो रहा है,
कितने लोग देखते होंगे आप जो रात को रोड बंद करके वहीं रहते हैं। तो हमें ना वो पहला पॉइंट वो गरीब का सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक आम आदमी क्या होता है ना, नाम का आम आदमी नहीं होता है। आज आप ये काम कर रहे हो ना, आपको भी अगर आपको भी ये अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, यार यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब, और आप कह रहे हो हाँ यार मैंने अच्छा किया है, और वो कहने वाला कोई नहीं है। आप सिर्फ एक बंदे को इतना कह दो जो कि बहुत रो रहा है, चल ना चुप हो जा, हाँ बस थोड़ा सा एक हौसला अफजाई कर दो, नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, और पागल है क्या तू? आज मुस्लिम और हिंदुओं का, मेरे इतने मुस्लिम फ्रेंड है, मतलब मैं दिल्ली और ऐसी जगह से हूँ, अगर कोई बोलता भी ना मुझे तो मैं उनको अपने बैक ऑफ द माइंड में लाता हूँ। तो लोगों ने सोचना पड़ेगा, जब आप किसी को अगेंस्ट कुछ करने जा रहे हो ना, तो उसी का ही एक वो एक पोर्ट्रेट जिसने आपके लिए अच्छा किया है। ऐसा तो नहीं है ना कि सभी मुस्लिम, सभी एससी, सभी हिंदू या साउथ या किसी के भी, सबने बुरा ही किया है आपका। तो ये जो टॉप पर बैठे हुए लोग हैं ना, वो इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं ना लोगों को, कि ये भीड़ भेड़ चाल हो जाती है। फिर तो ये बंद करनी पड़ेगी, थोड़ी सी समझ सबको अपनी अपनी जगह। मनवीर, बिग बॉस चालू हो चुका है और इस बार सब सेलिब्रिटी ही हैं। आपने बहुत यादगार वक्त गुजारा है मनवीर, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार बिग बॉस से? दोस्त तीन दिन हुए हैं और मैं देख नहीं पाया हूँ, थोड़ा सा ट्रैवलिंग में था, बट मुझे लोगों के नाम याद है। और मैं अगर मैं अपने बारे में बोलूँगा, मैं एज ए कॉमन मैन बोलता हूँ, अभी इन लोगों ने कॉमन मैन को लेना बंद कर दिया, मुझे नहीं पता किस लिए कर दिया, बट होता क्या है ना, यहाँ भी वही डिफरेंस आ जाता है। जब आप सेलिब्रिटी बन जाते हो ना, जैसे आज भी लोग मुझे बोलते हैं भाई नहीं आप हो आप ये हो, बट वो मेरे कहीं है नहीं दिमाग में कि नहीं यार तू अभी ना ऐसा सेलिब्रिटी हो गया कि अभी तेरे को बोल रहा मना करते। ये डिफरेंस है, जैसा कास्टिज्म का डिफरेंस है, जैसा जितना भी इंडिया में इतना डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस वर्ड इतना है ना कि आपने इसको खत्म कर दिया ना तो सब कुछ ठीक होता चल। एक सेलिब्रिटी और एक आम आदमी, जो इस आम आदमी ने उसको बनाया है, आज अगर मूवी देखने जाएंगे ना, हम लोगों में से जाएंगे, मैं भी जाऊंगा अभी देखने, तो हम लोग पे कर रहे हैं, वहां जा रहा है, मतलब मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि सबका एक सा है, बट फैंस आते हैं, एक सेलिब्रिटी होता है उनके बीच के मिलने का। ऐसे ही मुझे भी जब मैं शो में गया ना, तो मुझे भी लगा कि यार ये डिफरेंस तो नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि वहाँ सेलिब्रिटी आए हुए हैं जो जिनको मैंने टीवी पे देखा है, राहुल देव सर, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, बट कहीं ना कहीं ये लगता था यार ऐसे कॉमनर, बट मुझे पता है कि कहीं ना कहीं तो वो भी कहीं ना कहीं से उठ के आए हैं। मैं थोड़ा लेट ही सही, लेकिन आ तो गया, तो मेरे लिए तो जर्नी, मैं जैसा हूँ, मैं जैसा दो साल पहले था वैसा का वैसा अभी भी हूँ। तो और एक बंदा रहता ही ऐसा है यार, आप कितना चेंज कर दोगे, पहनावे में चेंज कर दोगे, बोलने में कर दोगे, मन में थोड़ी कर दोगे। मुझे लगा शायद फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। और आज देश में 2 अक्टूबर है, पूरे देशवासियों को हम दोनों की तरफ से गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साजिद के लिए यही कहना चाहूँगी कि आज साजिद का बर्थडे भी है, और जितने भी 2 अक्टूबर को पैदा हुए हैं, स्पेशली साजिद के लिए, बिकॉज ऑफ 2 अक्टूबर को छुट्टी है, और साजिद ने ये आज के दिन एक सेक्शन अगेंस्ट लॉ जो आज एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई है, तो लॉ के ऊपर बहुत कम लोग एक नई तरीके की नया जोन लेकर आ रहे हैं और ये चीज़ें बता रहे हैं कि हाँ भाई हमारा लॉ कहाँ पे कितना कमज़ोर है, किसके लिए किस लेवल तक वो अच्छाई करता है, किस लेवल तक। क्योंकि फिल्मों में हम अक्सर, क्योंकि हम लोग सभी फिल्म इंडस्ट्री से हैं, फिल्मों में हमने अक्सर ये दिखाया कि हमारा एक लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो गलत होता है उसके लिए गलत ही है, मगर एक्चुअल लाइफ में ये चीज़ें नहीं है, जो साजिद ने आज इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू हमें, हम सबको दिखाना चाहा है कि छुआछूत हो, महिलाओं के साथ का हो, या एक्स वाई जेड कुछ भी हो, तो लॉ कहाँ कमज़ोर होता है। और हम सभी इसलिए नहीं कि सिर्फ हमें लॉ को ही स्ट्रॉन्ग करना है, सबसे पहले एज ए ह्यूमन हम लोगों को खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर हम गलत नहीं करेंगे तो कोई भी लॉ का बंदा हमारे ऊपर हाथ नहीं रख सकता है। कुछ चीज़ें परंपरा, छुआछूत जैसी कुछ चीज़ें परंपरा चली आ रही हैं जिसको हम लोग नहीं रोक सकते हैं, मगर हम लोग
कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग एजुकेटेड हैं, अगर हम लोग इस सब चीज़ों से आगे नहीं बढ़ेंगे कि हम धर्म को लेकर, जातिवाद को लेकर, छुआछूत जैसी चीज़ों को लेकर अगर हम लोग लड़ाई झगड़े करते रहेंगे, अपनी मानसिकता नहीं आगे वो करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस देश के अंदर किसी के साथ भी ऐसी कोई घटना होगी कि किसी को मार दिया जाए धर्म के नाम पर, किसी को काट दिया जाए या किसी को कुछ भी कर दिया जाए। तो वो चीज़ें हमको खुद को सबसे पहले बदलनी होगी, हम बदलेंगे तभी ये सारी चीज़ें होंगी। साजिद की एक बहुत अच्छी पहल है, इस चीज़ को हम लोगों के आगे दिखाया है, सच्चाई दिखा रहा है। और मैं साजिद के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि गॉड ब्लेस कि वो उसकी और उसकी पूरी टीम को कि वो इस तरीके से आगे इस मूवी को जो उसने एक छोटे से 10-15 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में दी है, तो साजिद इसको फिल्म के रूप में, एक बहुत अच्छी फिल्म के रूप में हम लोगों तक पहुँचाए। और उसमें कोई भी लाइक रियल लाइफ को ही दिखाना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक आदमी 50,000 लोगों को पीट रहा है, सनी देओल साहब जाके पूरा पाकिस्तान में से उखेड़ गया रहे, वो चीज़ नहीं, जो रियल है, जो एक्चुअल है, जो आज उसने दिखाया है, वही चीज़ आगे वो हम लोगों को एज ए फिल्म के माध्यम से दिखाए। जी, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है आप लोगों का? हाँ, बच्चों को लॉ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अभी जो लॉ का जो मिसयूज़ कर रहे हैं लोग, उसका अगेंस्ट ये फिल्म बनी है, बहुत अच्छी फिल्म है। और मैं बधाई देता हूँ जॉन पॉल साहब को कि इस तरह का कंटेंट लेकर आए, इस तरह की फिल्में बनना चाहिए ताकि हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में लोगों को लॉ के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, इसका कॉमर्शलाइज करना थोड़ा मुश्किल होगा शुरुआत में, अगर आप इस तरह की फिल्में बनाते हैं, इस तरह के लॉ को लेकर एक बड़े प्लेटफॉर्म पर बनाते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायदा जरूर आए। एक्चुअली ये जो आपने जो बहुत अच्छी बात बोली है कि हम लोग स्कूलों के अंदर से, स्कूलों में अगर ये सारी चीज़ें दिखाई जाएं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, बच्चों को नहीं पता होता है कि वो किस धर्म से हैं, क्या सीख रहे हैं, हम ही लोग सब सिखाते हैं, माँ बाप या टीचर। तो मेरे हिसाब से कि साजिद को इसको स्कूलों में दिखाना चाहिए और इसको और बेहतरीन करके अराउंड 15-20-30 मिनट्स की और बढ़ाकर ये उसको अगर फेस्टिवल में उतारते हैं, तो आई होप कि, और मैं विश भी करती हूँ कि उनको आगे जाके इसके लिए अवार्ड मिले। तो साजिद को और उसकी पूरी टीम को हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो और वो इसी तरीके से काम करते रहे, बस यही दुआ है हम लोगों की। थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन आपकी क्या शुभकामनाएं रहेगी, और आपने ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी, अभी इस पर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं सेक्शन अगेंस्ट लॉ, आपकी पॉलिटिकल से जुड़े हो, आपकी राय क्या है? देखिए, सबसे पहले जो आपने सवाल किया कि क्या आपकी रहेगी, तो भाई मेरी तरफ से सारी बेस्ट विशेज हैं, सारी मेरी तरफ से जितने भी हो सकते हैं सोर्सेज, जो उन्होंने एक सब्जेक्ट चूज़ किया, ये सबसे पहले हम इनको थैंक्स बोलना चाहेंगे। सब्जेक्ट जो उन्होंने चूज़ किया, आजकल फिल्में बन रही हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बहुत बन रही हैं, पर ये जो उन्होंने एक सब्जेक्ट चूज़ किया और इस पर काम किया, वर्क किया, इंडिविजुअली इंटरव्यू लिया, लोगों की बाइट ली, हम लोग जब ये डॉक्यूमेंट्री हमें देखने का अपॉर्चुनिटी मिली, तो ये रोज़मर्रा हमारी लाइफ में, क्योंकि आपने कहा पॉलिटिकल है, तो हमारी लाइफ में रोज़मर्रा ये सब चीज़ें, ऐसे लोग आज नहीं 10 साल से चले आ रहे हैं कि इनकी यहाँ दिक्कत है, ये परेशानी है, ये है, और बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सही कहा उन लोगों ने, हम लोग अपने यहाँ जितना हमसे हो सकता है, जितनी ताकत है, उससे प्रयास करते हैं कि लोगों को दिला सकें, उनको जो जायज़ है उसकी मदद कर सकें। अब यहाँ ये जो इन्होंने चूज़ किया है कि सोसाइटी का, ये सबको दिल को छू जाने वाली चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा, जितनी कहा जाए इमोशनल है, देखने के बाद सब इमोशनल हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के हर एक जानने वाले से ऐसी चीज़ें उनके साथ गुजर रही होंगी। तो देखें, इसको देखने के बाद लोगों का शायद सीख मिले, ये तो पहला है, हम चाहेंगे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड जितना भी इसमें हम लोग आगे कर सकें करेंगे, मेरी पूरी बेस्ट विशेज हैं, सारी चीज़ें हैं, थैंक्स देना चाहेंगे, आज बहुत अच्छा हमें यहाँ बुलाया, बहुत आगे खुशी हुई, आप सब लोगों ने जितना प्यार दिया है, आके दिया, हमें भरोसा है कि आगे काफ़ी कामयाबी है, आज तो शुरुआत है, अभी बहुत लंबी जर्नी तय करनी है। थैंक यू सो मच। भाई का बर्थडे भी है या? अरे विश किया फिर से।
सबसे पहले नमस्कार सभी मीडिया बंधुओं को और सारे देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और सेक्शन लॉ जो साजिद भाई, सबसे पहले साजिद भाई को विश्व मैनी मैनी हैप्पी बर्थडे, आज उनका बर्थडे है एंड बहुत खुशी की बात है, सभी लोग आए और उन्होंने बुलाया, तहे दिल से शुक्रिया है उनका। एंड जो सेक्शन लॉ जो फिल्म है, ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है और ऐसी फिल्में बननी चाहिए, जो सब्जेक्ट उन्होंने उठाया है ऐसी फिल्में बने, लोगों के लिए एक आईना होगी ऐसी फिल्म। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये फिल्म जो बनेगी तो लोगों को इससे कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि सबसे बड़ी बात है, और लोगों के साथ साथ जो कानून व्यवस्था हमारी इंडिया की है शायद उन्हें भी सीखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत जगह देखा है, जैसे इसमें आरक्षण के बारे में था, तो मेरे ख्याल से आरक्षण जाति पर नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण गरीबी पर मिलना चाहिए, तो ये सरकार को सोचना चाहिए। ऐसी बहुत कानून व्यवस्था तो बिल्कुल रद्दी है हमारी, जो कि कानून सेक्शन इतने हैं लेकिन वो लागू, जैसे डॉक्यूमेंट्री में कहा कि कानून तो है लेकिन सबके लिए अलग अलग है, लोग जो गरीब है वो बेचारे चक्कर धक्के खा रहा है, तारीख पे तारीख मिल रही है लेकिन इंसाफ मिलता ही नहीं है, या तो पैसा लिया आदमी मर्डर किया, आजकल इंसान की एक तो कीमत नहीं है, आप किसी भी 10,000 दो मर्डर कर देता है आदमी, वो 4-5 साल बाद छूट जाता है, फिर वो थोड़ी देर में दादा बन जाता है। अरे ऐसा कानून होना चाहिए कि आदमी अगर किसी की हत्या करता है तो उसको तुरंत सूली में लटका देना चाहिए, क्योंकि ये सब बंद होना चाहिए, अगर जब तक आप सजा कड़ी नहीं करेंगे तो हत्याएं होती रहेंगी, कुछ भी ऐसा होता है, क्रिमिनल है क्यों, क्रिमिनल बढ़ता क्यों है, क्योंकि इंसान क्रिमिनल कानून जो है वो स्ट्रांग है ही नहीं, जब तक क्रिमिनल को सजा नहीं मिलेगी तो दूसरा उससे एतबार कैसे ले सकता है। तो सिंपल सा मेरा कानून व्यवस्था को लेकर सरकार से गुजारिश है कि कानून व्यवस्था कठोर होनी चाहिए और सबके लिए एक होनी चाहिए, यही मैं चाहता हूँ, यही रिक्वेस्ट है। एंड इस फिल्म से भी, सेक्शन लॉ से भी हम लोग यही दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि फिल्म में हम लोग एक पार्ट है और हम लोग चाहते हैं कि फिल्म के जरिए लोगों को कानून की आंखें खोल सकें। कानून तो कहते हैं कानून तो अंधा है, लेकिन हम उस कानून के अंदर जो पट्टी है उसको हटाना चाहते हैं, यही हमारा उद्देश्य है, साजिद भाई का भी यही उद्देश्य है। थैंक यू सो मच। साजिद भाई को उनका बोलते भी है और साजिद भाई को क्या बेस्ट विशेस होंगे इस फिल्म के लिए? साजिद भाई को बहुत ज़्यादा दिल से, मेरे बड़े भाई हैं और मैं बहुत उनको मानता हूँ, बहुत सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मेरी विश है कि उनकी फिल्म हिट हो और बने एक बिग लेवल पर हिट हो और लोगों को, लोगों के लिए एक आयना हो, यही मेरी ख्वाहिश है। और विश यू मेनी मेनी हैप्पी बर्थडे साजिद भाई, लव यू, अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज। साजिद जी का जन्मदिन को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और मैं ये चाहती हूँ कि उनकी जो पहली मूवी है वो सुपर डुपर हिट हो, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मूवी काफ़ी हटके है, विवाद से भरी हुई है, और लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और मैं चाहती हूँ कि ये मूवी हिट हो, और मतलब ज़रूरी है हिट तो होगी, क्योंकि साजिद जी बना रहे हैं तो हिट तो होगी, इंशाल्लाह हिट होगी। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। आज एक मूवी हमारे भाई, बड़े भाई करने जा रहे हैं, साजिद सिद्दीकी जी, सेक्शन अगेंस्ट लॉ, और हमें बहुत खुशी है, आज नेशनल डे है, हमारे महात्मा गांधी जी का बर्थडे है, साजिद भाई का भी बर्थडे है, और आज ही हम इसका पोस्टर लॉन्च कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं साजिद भाई को अपनी ओर से, और पूरे देश के जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से मैं अपील करता हूं इस मूवी को देखने के लिए, जब ये कंप्लीट होती है सबके सब लोग इसको देखने जाएं। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है, बेस्ट प्रोडक्शन में हूँ, मेरा नाम सेक्शन अगेन लॉ, इसका मतलब है कि आपको अगर लॉ के बारे में नहीं पता है तो आप हर जगह परेशान होंगे, जब तक आप इसके बारे में जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक